हे गाइस, मेरा नाम है पीयूष और आप लोग देख रहे हैं दी स्टडमंस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पानी पीने का सही तरीका क्या होता है, किस तरीके से हम पानी को पी सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, पहला पॉइंट ये है कि खाना खाने के तुरंत बाद कभी आपको पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि गाइस जब आप खाना खाते हो तो आपके अंदर जठराग्नि उत्पन्न होती है एंड वो अग्नि आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हो तो वो जठराग्नि आपकी बुझ जाती है, जिससे आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। तो आपको खाना खाने के तुरंत बाद गाइस कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आपको पानी पीना है तो आप एक ये काम कर सकते हैं, आपको एक मेरा पर्सनल हैक बता सकता हूँ कि आप है ना कूला कर लीजिए पानी का, आपके मुंह में पानी डाल लीजिए एंड ऐसे ऐसे गोल घुमा लीजिए एंड बाहर फेंक दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपके मुंह के अंदर जो भी खाना खाने के बाद थोड़े थोड़े भी टुकड़े बचे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स बचे हैं, वो आपके मुँह से बाहर निकल जाएंगे एंड आपका मुँह एकदम क्लीन हो जाएगा। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये है कि पानी को जल्दी से नहीं पीना चाहिए, पानी को आराम से पीना चाहिए। गाइस, आप पानी को जल्दी से पी लेते हो तो उसके वजह से किडनी आपके पानी को अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाती। तो आपको अगर आप जो भी पानी पी रहे हो उसे अपने शरीर में यूजफुल बनाना है तो आपको पानी धीरे धीरे से पीना चाहिए, जिसके वजह से किडनी उसमें से जो भी अच्छा अच्छा चीज़ है वो आपकी शरीर को दे सकता है। ओके, तो दोस्तों पानी आपको धीरे धीरे से पीना चाहिए, आपको अपने सलाइवा को अपने पानी में मिक्स करके पीना चाहिए। मीन्स आप जब भी धीरे धीरे पानी पीते हो ना तो जो आपका सलाइवा है वो उसमें मिक्स होता है, जो आपके डाइजेशन में बहुत ही हेल्पफुल रहता है और आपके शरीर को एकदम तंदुरुस्त बनाने में बहुत ही मदद करने वाला है। तो ये याद रख लीजिए कि गाइस जब भी आप पानी पिए तो उसे धीरे धीरे से पिए एंड अपने सलाइवा को उसमें मिक्स होने दें। तो दोस्तों, तीसरा पॉइंट ये है कि ठंडा पानी आपको नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, ठंडा पानी पीने से बहुत सारे गैर फायदे आपके शरीर को हो सकते हैं। तो दोस्तों, ठंडा पानी पीने का पहला गैर फायदा तो ये है कि आपके फैट को वो इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि वो आपके फूड को सॉलिडिफाइड फैट में कन्वर्ट करता है। तो सेकेंड गैर फायदा है ठंडा पानी पीने का, वो है कि वो आपके हार्ट रेट को एकदम डिक्रीज कर देता है। दोस्तों, थर्ड गैर फायदा यह है कि वो आपके ब्लड वेसल्स को एकदम ब्लॉक कर देता है, जिससे आपके ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। अब फोर्थ गैर फायदा यह है कि ठंडा पानी पीने से आपके जॉइंट्स में पेन हो सकता है। तो दोस्तों, फोर्थ पॉइंट यह है कि आपको जो पानी पीना है वो आपको रूम टेम्परेचर पे पीना चाहिए। मीन्स जो आप पानी पीते हो वो अगर आप मटके का पानी पीते हो तो वो नेचुरल होता है एंड वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है गाइस। तो अगर आप जब भी पानी पी रहे हो तो ट्राई करो कि आप मटके का ही पानी पियो। तो दोस्तों, पांचवा पॉइंट ये है कि ड्रिंकिंग टू मच वाटर, आप बहुत ही ज़्यादा पानी पीने लगते हो। किसी ने ये कहा कि यार बहुत ज़्यादा पानी पीने से आपको बहुत ही फायदे होने वाले हैं। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत ज़्यादा पानी पीने से आपके शरीर में इतना पानी बढ़ जाएगा ना कि आपका ब्लड है ना वो भी वाटर में कन्वर्ट होने लगेगा। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप चेक कैसे करेंगे कि आपके शरीर को पानी की ज़रूरत है या नहीं, मीन्स आप डिहाइड्रेट हो या नहीं, वो आप कैसे चेक करोगे। दोस्तों, पहला पॉइंट, अगर आपकी यूरिन येलोइश हो रही है तो आपको पानी की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है, याद रख लो। तो दोस्तों, सेकेंड पॉइंट तो ये है कि फटे होंठ, अगर आपके होंठ फटे हुए हैं तो समझ लो कि आपको पानी पीने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, तीसरा पॉइंट ये है कि रैपिड ब्रीदिंग, अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो भी ये समझ लो कि आपको पानी पीने की ज़रूरत है। आप जितना पानी पी रहे हो उससे ज़्यादा पीने का स्टार्ट कर दो, ज़्यादा पीने की ज़रूरत है आपको तो उससे ज़्यादा पीने का ट्राई करो। ओके, तो दोस्तों, लास्ट पॉइंट ये है कि आपको लैक ऑफ एनर्जी होने लग रही है। मीन्स आपके शरीर में आपको लग रहा है कि यार मेरे में कुछ है ही नहीं है, मेरे में कुछ एनर्जी नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो भी ये रीज़न हो सकता है कि आपके शरीर में पानी की मात्रा बहुत ही कम है, तो आपको पानी पीने की ज़रूरत है। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप दिन में कितना पानी पी सकते हो मिनिमम,
मिनिमम आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए एक अच्छा शरीर पाने के लिए, एक अच्छा तंदुरुस्त शरीर पाने के लिए। तो दोस्तों 6 मिस्टेक का नाम है ड्रिंकिंग वाटर वाइल स्टैंडिंग। जब आप खड़े हो तब आप पानी पी रहे हो तो वो सबसे गलत तरीका है पानी पीने का। तो आपको याद रखना है कि आपको खड़े हुए पानी नहीं पीना है, आपको बैठ के आराम से पानी पीना है। तो मैं पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि आप अगर खड़े हो और पानी पी रहे हो तो उससे आपको क्या गैरफायदा होने वाला है। तो जब भी आप खड़े हो और पानी पी रहे हो तो उसकी वजह से किडनी आपको पानी एकदम फिल्टर कर नहीं पाते, और जिसकी वजह से आपको अच्छे अच्छे पोषक तत्व तो पानी में से नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से आपको आपके जॉइंट्स में पेन हो सकता है। आपके पैरों में सबसे ज़्यादा पेन होता है, वो आपको उम्र के थोड़ी उम्र के बाद होता है, बट वो आपको प्रॉब्लम होने वाली है अगर आप खड़े हुए पानी पी रहे हो। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर देना और मेरे इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे उन्हें भी पता चल सके कि पानी पीने का सही तरीका क्या होता है। एंड अगर आपको मेरी चैनल अच्छी लगती हो, मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब कर देना, और साथ में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय गाइस। जय हिंद।